बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मनी सिस्टम के, मॉनिटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेसिकली मनी है क्या। मनी इज़ द सेट ऑफ एसेट्स इन एन इकानमी दैट पीपल रेगुलरली यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम अदर पीपल। लाइक मनी ऐसा सेट ऑफ एसेट्स है किसी भी इकानमी में जो कि लोग रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए फ्राम अदर पीपल। सो द फंक्शन ऑफ मनी, मनी हैज़ बेसिकली थ्री फंक्शन इन द इकानमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर वैल्यू क्या है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ एन आइटम दैट बायर गिव्स टू सेलर व्हेन दे वांट टू परचेज गुड और सर्विसेज। A medium of exchange is anything that is readily acceptable as payment. अब medium of exchange basically जो कि buyers हैं वो कोई चीज़ अगर purchase करना चाह रहे हैं तो जो वो goods and services purchase करेंगे उसके बदले में वो क्या pay कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो वो जो भी देंगे if it's in the term of money और मे बी इन द टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो बॉटर सिस्टम है। बट वो कोई भी जो चेंज चीज़ आप चेंज कर रहे हैं वो दैट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर आप मनी जो कि स्टैंडर्ड समझा जाता है, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझा जाता है, अगर आप मनी यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ की प्राइस के लिए, लेट्स सपोज आप गाड़ी ख़रीदते हैं, 20 लाख की गाड़ी है, तो गाड़ी ख़रीदने के लिए आप जो 20 लाख पे करेंगे वो पेपर करेंसी भी हो सकता है, वो चेक भी हो सकता है। सो उसे ख़रीदने के लिए जो आप पे करेंगे दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आप एक चीज़ लेने के लिए जो दूसरी चीज़ दे रहे हैं दैट इज़ योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो जो कि एक्सेप्टेबल हो पेमेंट की सूरत में। अब आप जब भी कोई बड़ी चीज़ ख़रीदेंगे तो कोई आपसे चीज़ के बदले में चीज़ का लेन देन नहीं करेगा। हाँ, कोई छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जिसमें ज़्यादा लॉस के चांसेस ना हो। जैसे कि पहले बाटर सिस्टम के प्रॉब्लम्स थे हमारे, कि जब बाटर सिस्टम था तो लोगों को ये मसाइल आते थे कि जब किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी तो अगला अगर देने के लिए उस पर विलिंग नहीं है, अगर किसी को 1 kg राइस चाहिए और वो उसको 1 kg वीट के साथ एक्सचेंज करे और अगला बंदा विलिंग नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है मे बी वीट की, उसको जिसको चावल जिसके पास हैं या एक्सेट्रा। लेकिन मनी बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए है कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ये एक स्टैंडर्ड है कि आप मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं, इसका एक मार्केट में स्टैंडर्ड है। आप मनी के थ्रू कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, वो आपकी वेस्ट नहीं होती, उसकी वैल्यू वही रहती है, उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का आपको ख़तरा नहीं होता। अगर आपने 1000 rupees दिए हैं तो आप 1000 से अपनी मर्ज़ी की कोई और चीज़ ले लें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ द यार्ड स्टिक पीपल यूज टू अप पोस्ट लाइक प्राइजेज एंड रिकॉर्ड डेट्स एट्सेट्रा। एंड स्टोर वैल्यू इज एन आइटम दैट पीपल कैन यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्राम द प्रेजेंट टू अ फ्यूचर। लाइक मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी होती है, एज मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होती है, इसकी स्टोर वैल्यू भी होती है। लाइक स्टोर वैल्यू के फॉर एग्जाम्पल 100 rupees जो है बेसिकली उसकी कितनी परचेजिंग पावर है। आपके पास 100 rupees है तो आप ये देखते हैं कि अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है और इसकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप 100 में आपको क्या मिलेगा या उसकी वर्थ कितनी है, ये उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं। अब जी हम बात करेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज़ द ईज़ विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इन द इकोनॉमी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लाइक लिक्विडिटी हम ये देखते हैं कि कितनी ईजीली आप किसी भी एसेट को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विद इन इकानमी। सो अगर आप बात करें मनी की तो मनी की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में ये एग्ज़ाम्पल मिलती हैं कि लोग
प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्या करते हैं, प्लॉट के साथ प्लॉट एक्सचेंज कर लेते हैं या घर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो समटाइम उनकी वैल्यू भी एक्यूरेटली एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही होती, उसको लेके वो कन्फ्यूज़ होते हैं, फिर कहते हैं ओके जी साथ एक्स्ट्रा आप इतने लाख दे दें, ये एक प्लाट हो गया 10 लाख हो गए, तो इतने में ये घर की इसके इक्वल आराम बन रही है। जब आप वैल्यू मैयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी आप क्या करते हैं कि उसको लाइक इन द टर्म ऑफ मनी कहते हैं 90 लाख का ये घर है, 50 का ये प्लॉट है, 40 साथ कैश दे दें, तो क्योंकि आप उसको डायरेक्टली जो है वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है और अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस टाइम पे जब बार्टर सिस्टम था तब था थोड़ा बहुत मुश्किल था लेकिन एक्सेप्टेबल था, लेकिन इस टाइम पे जब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू को आप उस जो मनी में एक्सचेंज नहीं करते तो उस टाइम पे क्या होता है कि तब तक वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो लिक्विडिटी होता है कि आप किसी भी जो एसेट है उसको कितनी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, तो ऑफ कोर्स मनी की जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मनी। कमोडिटी मनी बेसिकली इसमें टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी विथ इंट्रिंसिक वैल्यू, एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर सिगरेट एक्सेट्रा। सो कमोडिटी मनी बेसिकली होता है कि इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, ये मनी है, दिस इज़ नॉट अ पेपर मनी, ये पेपर मनी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं है कि आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करें, इस तरह से चेक के फॉर्म में नहीं है, ये किसी टेंजिबल चीज़ की सूरत में है, ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई नाम कोई हैसियत है, जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर सिगरेट एक्सेट्रा। सो इसके अपनी जो है इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। फिएट मनी इज़ यूज्ड एज मनी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डिक्री, इट डज़ नॉट हैव इंट्रेंसिक वैल्यू। फिएट मनी की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, लाइक जैसे क्वाइन करेंसी चेक डिपॉजिट एक्सेट्रा, और इनकी बेसिकली फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल क्वाइन करेंसी या चेक डिपॉजिट इस तरह से होता है कि इनके ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपके पास 10,000 का चेक है, तो अब बात सिर्फ ये है कि वो 10,000 का चेक उसके ऊपर लिखा हुआ है इसलिए उसकी वर्थ है, लेकिन एक्चुअली वो जो जिस पेज पे वो आपको चेक मिल रहा है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मे बी 2-3 पैसा उसकी वैल्यू हो, चलें 1 रुपया भी हो जाए, लेकिन वो चेक बेसिकली 10,000 का है, तो इसकी फेस वैल्यू, फिएट मनी की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो कमोडिटी मनी होती है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, लेकिन कि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होती है। अब गोल्ड जैसे हम बात करते हैं कि गोल्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, आपके पास गोल्ड की एक ईंट या कोई एक पत्थर है छोटा सा, नॉर्मली मिल जाता है, गोल्ड की होती है बीच में ब्लॉक्स वगैरह, सो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा कि ये 1 रुपये का, 2 का, 500 का, 1,000 का, वट एवर, लेकिन उसकी एक्चुअली वर्थ है। अगर वो 1 तोला है, 1 माशा जितने का भी है, उसकी एक्चुअली वर्थ है, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो जिसकी अपनी रियल वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है लाइक, और जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती उसकी फेस वैल्यू होती है, लाइक क्वाइन करेंसी चेक डिपॉजिट एक्सेट्रा। करेंसी इज़ द पेपर बिल एंड क्वाइन इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। बेसिकली करेंसी क्या है, इट इज़ अ पेपर बिल एंड क्वाइन, जो कि पेपर बिल लाइक जो कि आपकी पेपर मनी होती है, आपके पास नोट जो होते हैं उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है, 500 का नोट है, 1,000 का है, 5,000 का है, वो आपकी करेंसी है, या फिर आपके क्वाइन जो भी एक्सेप्टेबल होते हैं, आपकी कंट्री में जो भी करेंसी चल रही होती है वो लीगली एक्सेप्टेबल होती है और उसको कोई भी एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता, दिस इज़ अ क्राइम बेसिकली। सो जो आपके क्वाइन हैं, जो आपकी पेपर करेंसी है बेसिकली, वो लाइक जो नोट वगैरह है उसको करेंसी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर बैलेंस इन बैंक अकाउंट्स दैट डिपॉजिटर कैन एक्सेस ऑन डिमांड बाय राइटिंग अ चेक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि आपने किसी भी बैंक अकाउंट में जो मनी रखवाई हुई है, जो आपका बैलेंस है, उसके लिए आप डिमांड डिपॉजिट बनवा सकते हैं। लाइक एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है, आप चेक देते हैं या चेक लिख के देते हैं और आप उसका जो है वो फर्दर एक थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है रिलेटेड टू अ चेक, एक रिसीट टाइप की होती है जिसको आप डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है लीगली। ओके जी, अभी हम देखते हैं फिगर वन, मनी इन द पाक इकानमी। पाकिस्तानी इकानमी में हमने देखना है कि इसमें डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ट्रेवलर्स चेक्स हैं, अदर चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, जो कि करेंसी ये जो हमारे यहाँ बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज़ M1 में आता है, और M2 में क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, स्मॉल टाइम डिपॉजिट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, अ फ्यू मेरिट कैटेगरीज एट्सेट्रा, एवरीथिंग इन M1। सो ये कैटेगरीज़ हैं M1 और M2 जो कि हमारी इकानमी में एक्सेप्टेबल हैं।
the SPP and the Federal Reserve System, State Bank Pakistan. The Federal Reserve System serves as the national central bank. किसी भी कंट्री का जो फेडरल रिज़र्व सिस्टम होता है या जो बैंक होता है बेसिकली वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है. जैसे कि पाकिस्तान में जो है जो आपका बैंक है उसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं. जैसे बैंक ऑफ इंडिया है अमेरिका का है बैंक है जो जिसको फेडरल रिज़र्व सिस्टम और जिसको बोला जाता है बैंक ऑफ अमेरिका और या फेडरल रिज़र्व सिस्टम उसको या फेडरल रिज़र्व बैंक बोलते हैं. इट इज़ डिनाइड टू ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम और ऑफ कोर्स इसे डिज़ाइन किया जाता है बैंकिंग सिस्टम को ओवरऑल जो है वो देखने के लिए उसको मैनेज करने के लिए. जो भी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक जो होता है वो ओवरऑल कंट्री के बैंकिंग जो सिस्टम होता है उनको देख रहा होता है उनकी पॉलिसीज बना रहा होता है वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है. जितने भी आपके रजिस्टर्ड बैंक हैं बेशक वो कमर्शियल बैंक हैं गवर्नमेंट के हैं इस्लामिक बैंक है जो भी हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो सब सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनकी कोई वर्थ नहीं होती. सो उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ता है और फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है. इट रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकानमी. फेडरल रिजर्व सिस्टम इज़ नेम्ड एज स्टेट बैंक इन पाकिस्तान. सो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन मई 1948 मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान टुक स्टेप्स टू एस्टैब्लिश द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ द नेशंस बैंकिंग सिस्टम. दीज वर इम्प्लीमेंटेड इन जून 1948 एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन जुलाई 1948. सो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं जिन्हें हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बोलते हैं उन्हें बेसिकली ये फील हुआ कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक की इस टाइम अशद ज़रूरत है. सो उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई दैट वाज इन जून 1948 का टाइम पीरियड था और जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए दैट वाज जुलाई 1 जुलाई 1948 जब स्टेट बैंक के ऑपरेशन The structure of the State Bank of Pakistan, the primary elements in the Federal Reserve System are the Board of the Governor, the Regional Federal Reserve Banks, the Federal Open Market Committee. Basically, three types of operations hain jo ke Federal Reserve System mein hote hain, jo ke Pakistan ke State Bank mein bhi hain, uske structure mein hain. Usme Board of Governor bhi hote hain, usme Regional Federal Reserve Banks bhi hote hain aur Open Market Committee bhi. So the SBPs is run by a board of governor which has 10 members appointed by the president and confirmed by the senate. Among the 10 members the most important is the chairman. The chairman directs the SPB staff, presides over board meetings and testifies about the Fed's policy in front of the SPB committees. So SPB basically board of governors ke through chalta hai. 10 board of governors hain Pakistan mein aur जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं और इवन के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं एंड बाय द सेनेट कमीशन जो सेनेट होता है लाइक जिसको हम असेंबली भी कहते हैं नेशनल असेंबली उनके अप्रूवल से होता है. अमंग द 10 मेंबर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द चेयरमैन. चेयरमैन पहले डिसाइड होता है. द चेयरमैन डायरेक्ट्स द एसबीबी स्टाफ्स presides over board meetings and testifies about the Fed's policy in the front of the SPB committees. जितने भी स्टाफ की जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं चेयरमैन मीटिंग्स होती हैं जो कि पॉलिसीज होती हैं वो सारी चेयरमैन डायरेक्ट करता है और जो भी गवर्नर बोर्ड की मशावरत से ये सारे काम होते हैं. सो द बोर्ड ऑफ द गवर्नर 10 मेंबर्स appointed by the president confirmed by the senate the director and the governor are appointed for a term of 3 years. President appoints a member as chairman to serve a 4-year term. Most of the time basically 4 year ke liye hota hai jo ki chairman lekin chairman ka time jo hota hai wo kabhi zyada state bank ka jo chairman hota hai kabhi zyada kabhi kam kabhi extend ho jati hai date कभी टाइम से पहले फारिग कर देते हैं. ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ऐसी ही है. बेसिकली जो स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट है वो कोई पॉलिटिक्स के आगे पीछे चलता है
कभी उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है और कभी टाइम से पहले उसको फारिग कर दिया जाता है। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर बेसिकली 10 मेंबर होते हैं और इनको क्या है अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट होते हैं एंड कन्फर्म बाय द सेनेट होते हैं और डायरेक्टर एंड गवर्नर होते हैं विच इज आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 12 डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं बेसिकली स्टेट बैंक के अंडर जो नॉर्मली मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 12 बैंक्स जो हैं वो अलाउ हैं चल रहे हैं। 9 डायरेक्टर्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा में। 3 अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स। 6 आर इलेक्टेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। द डायरेक्टर अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट विच इज़ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो वो एक होता है कि जो एक्यूरेटली पॉलिसी में जो चीज़ होती है वो चल रही होती है हम उसके बारे में बात करते हैं जो कि रिटर्न होती है। लेकिन जितनी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है वो एक्यूरेटली उतनी ही प्रैक्टिकली फॉलो की जा रही हो ये ज़रूरी नहीं होता। सो आपके डिस्ट्रिक्ट में समटाइम ये चीज़ें आपको ज़्यादा या कम मिल सकती हैं। वहाँ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि 9 डायरेक्टर पाए जाएँ या हर डिस्ट्रिक्ट में 12 बैंक्स भी मौजूद हों या 12 ब्रांचेज हों या 12 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक जो समरी थी वो यही थी जो मैंने आपको बताई है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द एस पी बी इम्प्लीमेंट्स सम ऑफ द एस पी बीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन एक्सेट्रा। सो द एस पी बी ओपन मार्केट कमेटी। ओपन मार्केट कमेटी बेसिकली क्या करती है? सर्व एज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। जो ओपन मार्केट कमेटी है वो बेसिकली मेन ऑर्गन सिस्टम समझा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम का। एंड मीट्स अप्रॉक्सीमेटली एवरी 6 वीक टू रिव्यू द इकानमी। उनकी मीटिंग्स जो होती हैं वो आफ्टर एवरी 6 वीक्स होते हैं। मैक्सिमम 1.5 माह बाद एक मीटिंग ज़रूर कॉल की जाती है और इसमें इकानमी को रिव्यू किया जाता है कि इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है वो क्या है और हमें क्या स्टेप लेने हैं। लाइक इन्फ्लेशन रेट किस तरह से जा रहा है, डिफ्लेशन रेट किस तरह से जा रहा है, जो है वो हमें डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं मीटिंग्स में। उसके बाद फिर एक नई पॉलिसी बनती है। द SBP ओपन मार्केट कमेटी फॉर्मेट विच इज़ मेड अप फॉर द फॉलोइंग वोटिंग मेम्बर्स। द चेयरमैन एंड द अदर 10 मेम्बर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची, द प्रेजिडेंट ऑफ द अदर रीजनल फेडरल रिजर्व फॉर वोट ऑन आर ईयरली रोटेटिंग बेसिंग। सो बेसिकली जो वोटिंग होती है जो कि इस जो कमेटी बनाती है बेसिकली जो आप स्टेट बैंक पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें ये जो ओपन मार्केट कमेटी का जो एक पूरा डिज़ाइन है जो पूरा सेटअप है वो किस तरह से बनता है तो उसमें जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची की, द प्रेसिडेंट ऑफ द रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक फॉर वोट ईयरली रोटेटिंग बेसिंग एक्सेट्रा। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय द स्टेट बैंक पाकिस्तान ओपन मार्केट कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द सेटिंग ऑफ द मनी सप्लाई बाय पॉलिसी मेकर इन द सेंट्रल बैंक। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, हमारे पास 2 पॉलिसियाँ होती हैं किसी भी इकानमी में। सो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सप्लाई से रिलेटेड कि आपको जो मार्केट में जो है इस साल में कितनी मनी सप्लाई देनी है और कितनी नहीं देनी है। अगर ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा, तो आप उसको कम करने के बारे में सोचेंगे। और अगर आपके पास मनी सप्लाई कम है, आप डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे उसमें आप अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के बारे में बात करेंगे। सो ये सारी पॉलिसीज किसके थ्रू बनती हैं? सेंट्रल बैंक के थ्रू। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करता है और ओपन मार्केट कमेटी इनको जो है वो डायरेक्ट करती है। द मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकानमी। सो मनी सप्लाई से हमें यह पता चलता है कि कितनी क्वान्टिटी ऑफ मनी जो है वो विद इन इकानमी सर्कुलेट कर रही है। 3 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक पाकिस्तान। रेगुलेट्स बैंक टू इंश्योर द फॉलो SBP लॉज इंटेंडिंग टू प्रमोट सेफ एंड साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस। सो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो SBP बनाता है जो कि ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो आपके बैंकिंग सिस्टम है या बैंकिंग प्रैक्टिस है वो सेफ एंड साउंड हूँ। एक्स इज़ द बैंकर्स बैंक मेकिंग लोन टू बैंक एंड एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
अब ये कि स्टेट बैंक ये भी इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी सेफ एंड साउंड हो और काफ़ी हद तक उसको भी प्रॉफिट हो, और इवन के जो लोग बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग में अपने बैंकिंग सिस्टम में अपने पैसे रखवाते हैं, लोन लेते हैं, देते हैं, उनके लिए भी जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कंडक्ट मॉनिटरी पॉलिसी बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो भी बनाई जाती है। द मनी सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकानमी। सो मनी सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी होती है किसी भी इकानमी में। आपकी इस टाइम मार्केट में कितना पैसा मौजूद है, कितनी मनी सप्लाई है, कितना पैसा अवेलेबल है, उसके बारे में बात होती है। तो जितना पैसा ज़्यादा होगा आपकी इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा होगी। द प्राइमरी वे इन विच द स्टेट बैंक पाकिस्तान चेंजेस द मनी सप्लाई इज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। द SBP परचेज एंड सेल्स पाक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा या कम होती है तो उसको देखते हुए क्या है कि स्टेट बैंक ये डिसाइड करता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या करेगा स्टेट बैंक, कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स सेल करेगा। लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेंगे और स्टेट बैंक उनसे वो पैसा ले लेगा। अब वो जो पैसा स्टेट बैंक के पास चला जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में अब मनी कम है, स्टेट बैंक ने बॉन्ड्स सेल किए, अब लोगों के पास बॉन्ड ज़्यादा है। फिर अगर मनी मार्केट में कम हो गई है, आप डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे स्टेट बैंक क्या करता है कि गवर्नमेंट के जो सेल किए हुए बॉन्ड्स थे वो वापस ख़रीद लेता है, ताकि अब जो मनी है वो मार्केट में वापस चले जाए। जो भी सिचुएशन होगी मार्केट में मनी सप्लाई की, उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक पॉलिसीज़ बनाता है, जिसको हम मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई द स्टेट बैंक बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर द पब्लिक। देखें यहाँ पे बात हो रही है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेट बैंक क्या करता है कि पब्लिक से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लेता है। टू डिक्रीज द मनी सप्लाई द स्टेट बैंक सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द पब्लिक। और अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो स्टेट बैंक क्या करता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल कर देता है। ओके जी, अब आते हैं हम समरी की तरफ। द टर्म मनी रेफर्स टू एसेट दैट पीपल रेगुलरली यूज टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली मनी जो है वो ऐसे एसेट का नाम है जो कि लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। मनी सर्व्स थ्री फंक्शन इन एन इकानमी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मनी के थ्री फंक्शन हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं। उसके बाद है कमोडिटी मनी इज मनी दैट हैज़ इंट्रेंसिक वैल्यू। कमोडिटी मनी की इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, फिएट मनी विदाउट इंट्रेंसिक वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू होती है बट इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती। सो द SPB द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट्स द पाक मॉनिटरी सिस्टम। जो SBP है वो पाकिस्तान का मॉनिटरी सिस्टम रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन और बाय चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट और डिस्काउंट रेट। सो ये आज का लेक्चर था। इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।